करा रहा हूँ, जिससे कि आप हर फॉर्मूले से जुड़ते चले जाएं। ये ना हो कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि फिर याद ना करना पड़े, एक तरह से रटना ना पड़े, समझ में आ रहा हो कि हाँ हम इस तरह से कर रहे हैं। तो एक भी अगर बेसिक फॉर्मूला आपको पता है तो एंड तक आप सारे फॉर्मूले कर सकते हैं। तो साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए, ये टू डबल एंगल के लिए होता है। हमारे पास फॉर्मूले आगे हाफ एंगल के लिए भी आएंगे फिलहाल, लेकिन हमें उसको यूज नहीं करना, हम यहीं तक रहते हैं। तो ये था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ए माइनस बी में ए और बी इक्वल रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूले शीट पे लिखते रहिए, फाइनली जो फॉर्मूला आ रहा है साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए। अब हमारे पास है कॉस ए प्लस बी, तो ये आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप फिर रखिए ए इज इक्वल टू बी, तो अगर आप ए इज इक्वल टू बी रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस ए, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन, ये आपके पास हो। तो कॉस ए इंटू कॉस ए जो है वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, एंड साइन ए इंटू साइन ए जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस टू ए, तो कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ ये कॉस टू ए में जरा तीन फॉर्मूले ड्राइव होंगे, तो ये मान के चलिए ये कॉस टू ए का फर्स्ट फॉर्मूला, अगर हम ये मान। अब हम यहाँ क्या करें, अगर कॉस स्क्वायर ए को हम चेंज कर दें, कॉस स्क्वायर ए को हम वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दें, तो जो हमने टेंथ में पढ़ा था, तो साइन स्क्वायर ए हमारे पास टू साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर। तो कॉस टू ए इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर। हमने क्या किया है, हमने कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर ए को चेंज किसमें किया हमने, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर कितना हो गया, टू साइन स्क्वायर। तो कॉस टू ए का एक फॉर्मूला और आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम कॉस स्क्वायर ए को चेंज ना करके साइन स्क्वायर ए को चेंज करते तो क्या होता, तो हमारे पास आता कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देते और साइन स्क्वायर ए को हम चेंज करते वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास क्या होता, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर, तो टू कॉस स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारे पास हो गया कॉस टू ए का तीसरा फॉर्मूला। तो कॉस टू ए में तीन फॉर्मूले बनते हैं, तीनों एक साथ देख लीजिए, या तो कॉस टू ए होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, या फिर ये होता है हमारे पास टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, या फिर हमारे पास होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है कॉस टू ए का। अभी हमने साइन टू ए का फॉर्मूला ड्राइव किया था, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ऐसे। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं कॉस टू ए के और साइन टू ए के, और इस पे दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। इन दोनों फॉर्मूले को लिखिए और फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करें।
दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये देखो, ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन आप करेंगे। दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, जो हमने ड्राइव किए हैं वो फॉर्मूले यूज होंगे। देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अगर आप RS अग्रवाल देखेंगे या अगर आप RD शर्मा देखेंगे तो उसमें साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला MCQs के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर वो सब्जेक्टिव के लिए आता है, अगर वो एग्जाम्स के लिए आता है, तो फिर फॉर्मूला नहीं करेंगे आप, क्योंकि NCERT में उसका कोई यूज नहीं, NCERT में फॉर्मूला नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करिए। मैं साथ साथ मेंशन भी करता रहूंगा कि हम कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर, तो यहाँ हम यूज कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई सबको। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो पिछली बार जो हमने क्लास में किया था कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास साइन को आप प्लस कर रहे हो, साइन सी प्लस साइन डी, और सेकंड वाले ब्रैकेट में आप साइन को माइनस कर रहे हो, साइन सी माइनस साइन डी। किसी बच्चे को याद है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? लॉजिक मैंने आपको बताया था कि अगर साइन को प्लस करते हैं तो क्या होगा, साइन को प्लस करें माइनस करें, कॉस को प्लस करें कॉस को माइनस करें, तो आपके पास क्या होना है, आपके पास 2 तो आना ही आना है जी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस जी अपॉन 2 कॉस सी माइनस जी अपॉन 2। हाँ, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, साइन के फॉर्मूले में दोनों आते हैं, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा। प्लस कर रहे हो तो पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है। माइनस कर रहे हो तो पहला वाला कॉस होता है, दूसरा वाला साइन होता है, सेकंड वाला साइन। वेरी नाइस। अगर हमारे पास पहले सिंगल एंगल है, जैसे हम सी और डी करें, तो बाद में दो एंगल आएंगे, सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू। इसका अपोजिट, पहले दो एंगल है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो अभी भी यही आएगा 2 sin and cos, बट ए और बी आ जाए। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे थे, तो हमें sin c minus sin d भी यूज करना है। तो sin c minus sin d जब आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 एंड sin c minus d by 2, ये हमारे पास हो जाएगा d by 2। बस सिंपल पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देखते हैं फिर क्या आता है। तो आप अब यहाँ पे भी आपके पास स्टेप्स है कि आप डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करना चाहो कर सकते हो। मैं पहले स्किप करके लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाने के लिए लिखूंगा। तो पहला आएगा साइन सी प्लस डी। यहाँ अगर आप देखेंगे सी मेरा 6 है और डी मेरा 4 है, तो 6 plus 4 10 10 by 2 5x। दूसरा आएगा कॉस सी माइनस डी, 6 minus 4 2 2 by 2 1x। अब सब बच्चे पूछ सकते हैं सर ये 2 sin 5x cos x कहाँ से आया, तो अगर आप समझ रहे हैं तो ये वाला बीच वाला स्टेप स्किप कर दीजिए, नहीं तो जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है वैसे लिखिए 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2। ये पहला ब्रैकेट है, फिर दूसरा ब्रैकेट, इसमें cos पहले आएगा 6 plus 4 by 2, बाद में sin आएगा 6 minus 4 by 2, लाइक दिस। तो हमारे पास दूसरा क्या आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया 2 cos 6 plus 4 10 10 by 2 is 5x and 6 minus 4 2 2 by 2 is 1x। तो यहां तक हमारे पास आ गया 2 sin 5x cos x
टू कॉस फाइव एक्स साइन एक्स। खुद से आपको सोचना है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन टू ए इज इक्वल टू जो अभी अभी हमने ड्राइव किया था टू साइन ए कॉस ए। अगर आप चेक करेंगे हमारे पास टू है, हमारे पास साइन फाइव एक्स है और हमारे पास कॉस फाइव एक्स है, यानी कि एंगल सेम होना चाहिए। साइन टू ए इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो है साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए। एंगल सेम लाना है साइन के साथ भी कॉस के साथ भी। तो हम टू भी लेके आएंगे, साइन फाइव एक्स लेके आएंगे, कॉस फाइव एक्स लेके आएंगे, तो ये हमें लाना है। तो जरा लिखो इसको कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टू साइन फाइव एक्स इंटू कॉस फाइव एक्स, क्योंकि ऊपर सारी टर्म प्रोडक्ट में है तो हम लिख सकते हैं। अच्छा फिर हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया एक और टू, हमारे पास एक टू और रह गया और हमारे पास कॉस एक्स रह गया और हमारे पास साइन एक्स रह गया। तो इन तीनों को भी ऑर्डर में लिख दो, टू साइन एक्स कॉस एक्स। ये लाइन सब बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हमारे पास प्रोडक्ट में है सारे के सारे टर्म्स, तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, सिर्फ हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से उन्हें रीअरेंज कर रहे हैं। टू साइन कॉस, टू साइन कॉस, एंगल हमें सेम चाहिए, तो एक के साथ 5x 5x कर दिया, एक के साथ x x कर दिया। कोई मुझे बताएगा 2 sin 5x cos 5x क्या हो जाएगा? 2 sin 5x cos 5x क्या हो जाएगा? ये जो फॉर्मूला राइट साइड में लिखा हुआ है इसके हिसाब से देखो जरा, 2 sin a cos a क्या हो जाता है? sin 2a हो जाता है। Very good. तो यहाँ पे भी sin 2a ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा a कितना है? 5x. Very good. Very good. शाबाश. 5x. अच्छा दूसरे वाले उसमें बताओ जरा, 2 sin x cos x क्या हो जाएगा? sin 2a. a यहाँ पे x है। Good. तो बताओ 2 into 5 क्या हो जाएगा? 10x. और ये क्या हो जाएगा 2 into 1? Sin 2x. तो हमारे पास देखो जरा, हमें राइट हैंड साइड क्या चाहिए? Sin 2x sin 10x. आ गया नहीं आ गया? तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और राइट हैंड साइड तक हम पहुंचे। सर सही है? जी सर। इसको एक बार कॉपी करो और जो क्वेश्चन नंबर 13 है cos square 2x minus cos square 6x उसको इसी पैटर्न पे करने की कोशिश करो, फिर मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा आपके बाद। ट्राई करो सर सबके साथ। और ये वाला स्प्रिंग की साइड लग रहा है और ये वाला इस साइड लग रहा है, जब आप लगाएंगे इसमें थे वो कहाँ बैठे बैठे वो तो पुरानी हो गई थी। कहाँ है? ले आओ एक दोस्त में से लगा लो। दिन वो काम नहीं करती। लेके तो आओ। दिन में जब निकालना पानी का ही है और मेरे पेट में। अच्छा चलो मंगवा देंगे। मैंने बहुत बार बनाने सैंडविच किए हैं, कभी नहीं होता है कुछ। रख लीजिए इसी में, 3 सेल और आएंगे फिर लगा, बंद करके रखो, ये मिलाना मत पुरानों से।
गया भाई? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, इक्वल्स टू साइन 4x एंड साइन 8x. जी हो गया. आपको क्या करना है, एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड लेना है और कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छा हो अगर आप लार्जर एंगल को पहले लिख लें, चाहे उसमें माइनस कॉमन लेना हो, ठीक है, अच्छा है ये. अदरवाइज जैसे दिया वैसे स्टार्ट कर दो, जब पहले जैसे दिया वैसे ही स्टार्ट कर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये 2x है, मैंने x लिख दिया. तो आपके पास आ गया cos c plus cos d. अगर आप cos को प्लस करेंगे तो दोनों cos आएंगे, 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2, ये बस आएगा. और दूसरा हमारे पास है cos c minus cos d. अगर हम cos को माइनस करते हैं, ध्यान रखना दोनों साइन आते हैं लेकिन माइनस में आते हैं. Yes, sir. c plus d by 2 and sin c minus d by 2. तो ये फर्क होता है, अगर हमारा एंगल छोटा होता है ना पहला वाला, तो फिर कुछ टर्म्स हमारी नेगेटिव आती है, ये फर्क. जैसे ये यहाँ पे साइन 2 माइनस 6 माइनस में आएगा, कॉस 2 माइनस 6, खैर लिख लेते हैं फिलहाल तो पहले ऐसे ही. तो 2 प्लस 6 8, 8 बाई 2 4x, 2 माइनस 6 4, 4 बाई 2 2x, लेकिन माइनस में. Yes. 2 6 8, 8 बाई 2 4x. अब हमारे पास क्या होता है, आपको यहाँ एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि भाई कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है माइनस साइन थीटा. यस, ये ध्यान रखना. तो आपके पास क्या आएगा, 2 cos 4x cos 2x minus 2 sin 4x into minus sin 2x.
तो इस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर आप इन सबको अरेंज करो जैसे हमने सेम एंगल को लिया था, मतलब 2 को लीजिए, साइन 4x को लीजिए और कॉस 4x को लीजिए। 2 साइन 4x कॉस 4x, ये टर्म्स एक साथ ले लीजिए। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, फिर से 2 लीजिए, ये 2 लीजिए, साइन 2x लीजिए और कॉस 2x लीजिए, तो इनको फिर ले लीजिए। 2 साइन 2x कॉस 2x, अब शायद थोड़ा सा पता चल गया हो, तो 2 साइन 4x कॉस 4x क्या होगा? अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a, तो 2 साइन a कॉस a साइन 2a होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2a, a आ जाएगा 4x, और ये 2 साइन 2x कॉस x हो जाएगा साइन 2x। मम्मी से कह दीजिए सलीम चाचा को फोन करेंगे, वो ले आएंगे। देखो 4 बैठ, अच्छा मैं अभी कर रहा हूँ। तो 2 4 जा कितना होता है भाई? 8x। 8x और 2 2 जा 4, तो sin 8x sin 4x, बताओ क्या चाहिए था हमें राइट हैंड साइड में? सर यही चाहिए था। ठीक है सर, sin 4x sin 8x, ये बस। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 3.3 के। नोट करना चाहे तो करें, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये तो सारे इजी इजी से हैं, इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके और क्वेश्चन नंबर 21 तक बहुत इजी क्वेश्चन है, एज इट इज मैं आपको शो कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने ट्राई किए हैं और कोई सा पार्ट नहीं आया है वो मालूम कर लीजिए। ये आपके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कर बहुत सिंपल सिंपल से, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो अभी हम कर रहे थे, ये तो सिंपल है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है साइन 2x, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर x इनटू साइन 4x, ये आपके पास। तो आपको क्या करना, प्रूफ करना है LHS इक्वल्स टू RHS। अब यहाँ अगर आप चीज देखेंगे थोड़ा सा, जब भी आपको प्रूफ करना हो LHS इक्वल्स टू RHS करना हो, तो आप दोनों साइड नजर रखेंगे। अगर दोनों साइड नजर रखेंगे तो राइट हैंड साइड में साइन 4x है जो मुझे लाना है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन 4x है, तो इसको एज इट इज सेव करके रख लीजिए, इसको मत कोई फॉर्मूला अप्लाई करिए। और वैसे भी यहाँ पे 2 लगा हुआ था इसके साथ, तो कोई फॉर्मूला वैसे भी नहीं बन रहा था इसके साथ। तो अगर इसके साथ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा था, तो फॉर्मूले में हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म है, साइन 2x एंड साइन 6x। ये चीज अगर आप अंदाजा लगाने लगेंगे कि हो क्या रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड में इसको रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज मतलब मैंने आपसे कहा था लार्जर एंगल को आप पहले लिख लीजिए,
और 2 साइन 4x को आप रिजर्व कर दीजिए, सेव कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, साइन c प्लस साइन d, पहले दो में आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कोई बच्चा बताएगा मुझे साइन c प्लस साइन d क्या होता है? मैं इसलिए बार बार पूछा, जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार ये आपके दिमाग में फिट होता चला जाएगा, फिर बाद में फिर आप एकदम से इसको आंसर कर दिया करेंगे। जी साइन c प्लस साइन d क्या होगा? 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। यस, लॉजिकली आपको याद रखना है पहला साइन आएगा दूसरा cos आए, c प्लस d और c माइनस d तो आना ही है जब सिंगल। 2 साइन 4x को अभी भी हम कुछ नहीं कर रहे, तो आपके पास 6 टू 8 हो गया, तो 6 टू 8 बाई 2 4x हो जाता है, और 6 माइनस 2 4 हो गया, तो 4 बाई 2 2x हो जाता है, प्लस 2 साइन 4x। तो यहां से 2 साइन 4x कॉमन, तो आपके पास आ गया cos 2x प्लस 1। प्रॉब्लम ये है कि राइट हैंड साइड में ये नहीं चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए 4 cos स्क्वायर x sin 4x। तो sin 4x तो आ चुका है हमारे पास, sin 4x तो हमारे पास आ चुका है, और हमें 4 चाहिए था, 2 आ चुका है, बट हमारे पास जो ब्रैकेट में आया है वो cos 2x आया है प्लस 1, लेकिन cos 2x नहीं चाहिए, cos स्क्वायर x चाहिए। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर वालों, cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, जिसमें एक फॉर्मूला cos स्क्वायर x पे है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस 1, यस, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो आपको एज पर क्वेश्चन समझना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लिखना है। तो मेरे पास cos 2x है और मुझे cos स्क्वायर x चाहिए, तो cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जरा यहाँ रख दीजिए, आंसर आ गया आपका 2 sin 4x एंड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। cos 2x को चेंज करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आएगा और प्लस 1 आएगा, तो आपके पास क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ 2 2 जा कितना हुआ सर? 4। 2 2 जा कितना हो गया? 4। कितना आ गया सर? cos स्क्वायर x। कितना आ गया सर? sin 4x। यही हमें चाहिए था, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। सर बात सही है जी? जी यस सर। बताओ कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन बताएं इसमें से। चलो 15 करो सब बच्चे जरा। क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x sin 5x plus sin 3x, cot x sin 5x minus sin 3x। आपने 10th में भी इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं और यहाँ पे भी है इस तरह के क्वेश्चन, मैं आपसे कह रहा हूँ। होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है सर? होता क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, आप सब बच्चे समझ लिए, हमने कुछ क्वेश्चन कह रहा थे 10th में ट्रिग्नोमेट्री में कि हम अगर हमसे प्रूव नहीं होता था तो हम LHS को भी सॉल्व कर देते थे और RHS को भी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी है कि हम LHS से RHS में नहीं पहुंच सकते, तो आप क्या करिए, LHS को भी सिंपलीफाई कर दीजिए और RHS को भी। तो LHS में cot 4x है, उसे तो कुछ करना नहीं है, बाद में सोचेंगे, बट sin 5x plus sin 3x को sin c plus sin d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और राइट हैंड साइड में sin c minus sin d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जरा सब बच्चे फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे दिखाइए क्या आया, कोशिश करो एक मिनट, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। LHS अलग कर लो बेटे, RHS अलग, फिर देखो क्या LHS RHS सेम आ रहा है या नहीं है।
तो फॉर्मूला तो लगा दिया जी बेटा, अभी LHS में से आया है cot 4x और ब्रैकेट 2 sin 4x cos x. देखो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया या नहीं आ गया? जी cot 4x को आप cos upon sin लिख सकते हैं. यस सर. तो फिर sin 4x से sin 4x कैंसिल, आपके पास लेफ्ट साइड आएगा 2 cos 4x cos x. इसी तरह राइट हैंड साइड में cot x को आप cos upon sin लिख सकते हैं. तो cos upon sin में sin से sin कैंसिल, तो आपके पास आएगा 2 cos 4x cos x. ठीक है जी सर. सो LHS equals to RHS, ये इस तरह के से हो सकता है. लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हमें LHS से ही RHS लाना हो तब हमारे पास क्या होगा. अब RHS अगर लाना है, ध्यान से देख लीजिए, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई 2 cos 4x cos x, लेकिन RHS में मेरे पास है cot x. हमारे पास 2 cos 4x cos x आया है LHS में, और RHS में हमारे पास है cot x cot x sin 5x minus sin 3x. मुझे LHS से ये लाना है. कोई बच्चा बता सकता है हम क्या करें? सर cot को कर देंगे cos sin में. बेटे मुझे LHS से करना है, RHS से नहीं करना. LHS से RHS की तरफ जाना है तो मैं cot कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो cot है ही नहीं, cos 4x और cos x है. मेरे पास है cos 4x और cos x और मुझे चाहिए cot x. तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप क्या करिए, 2 cos 4x cos x cot करने के लिए sin से डिवाइड कर दीजिए और साइन से मल्टीप्लाई कर दी अपने साइड से. तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा भाई? कॉट कॉट हो जाएगा. यस. तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स क्या बचे? 2 कॉस 4x इनटू साइन x. क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 2 आता हो, पहला टर्म कॉस आता हो, दूसरा टर्म साइन आता हो? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है? कोई बच्चा अगर बता सके मुझे. टू कॉस ए साइन बी, कोई ऐसा फॉर्मूला है? सर साइन सी माइनस साइन डी. नहीं मुझे साइन सी माइनस साइन डी में सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू आते हैं. तो सिंगल एंगल नहीं होगा उसमें. यहाँ अगर सिंगल है तो वहां सिंगल नहीं होगा. आएगा यही जो फॉर्मूला आपने कहा, आपने कहा साइन सी माइनस साइन डी, बट सी नहीं होगा
वहां पे डबल एंगल होंगे, यानी कि हमें साइन को माइनस करना है। जब हम साइन को माइनस करते हैं पहला कॉस आता है दूसरा साइन आता है, तो अगर हम साइन को माइनस कर रहे हैं तो वो होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जरा पेपर पे लिखो cot x, लिखो जरा सब बच्चे cot x, यहाँ जाएगा cot x और यहाँ आएगा sin a plus b, a हमारा 4x है b हमारा x है, माइनस sin a minus b 4x minus x, इस तरह से। तो 4 plus 1 क्या होता है भाई? 5 साइन 5x और 4 माइनस 1 क्या होता है? 3x। हमें यही चाहिए था। सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो आपकी मर्जी है, आप जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि हम LHS और RHS दोनों को सिंपलीफाई करें या हम सिर्फ LHS से ही करें, तो ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्फिडेंस पे कि भाई किस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है सर? यस सर। जरा सोच के मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन देखें इसमें। अब 16, 17, 18, 19 और 21, ये पांचों क्वेश्चन एक से हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा लॉजिक है, तो जरा चेक करो 20 क्वेश्चन को। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 को एक मिनट दो, जरा देखो क्या करोगे। ये सारे क्वेश्चन साइन सी प्लस साइन 16, 17, 18, 19 और 21 साइन सी प्लस साइन डी पे ही है। 20 भी यही है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है अगर आप समझ ले तो। 20 क्वेश्चन नंबर 20 सब बच्चे ट्राई करो। जी हाँ सर, हमारे पास क्या है? साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। किसी बच्चे से सॉल्व हुआ क्या ये? लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं, इंस्टीट्यूट भी और स्टूडेंट्स भी, तो अगर आप दूसरे बच्चों को रेफरेंस दे सकें तो इंस्टीट्यूट का भी फायदा, बच्चों का भी फायदा, अपने क्लासमेट्स को, स्कूल मेट्स को अगर आप बता सकें। तो हमारे सारे टीचर्स अभी डेमो क्लासेस दे रहे हैं, तो अगर किसी भी बच्चे को ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो अपने फ्रेंड्स को आप लोग रेफरेंस दे सकते हैं, और लॉकडाउन का फायदा यही है कि बच्ची हमारी गाँव से पढ़ रही है हमारे साथ, देखो। तो कोई भी जो बच्चे स्कूल अब ओखला नहीं आ सकते थे वो भी, बिकॉज ये पूरा सेशन चलेगा, मतलब ऑनलाइन क्लासेस तो चलते ही रहेंगे। तो कोई बच्चा अगर आउटसाइड ओखला या आउटसाइड दिल्ली से भी ज्वाइन करना चाहे तो आप रेफरेंस दे सकते हैं। प्लीज देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, और लॉजिक क्या है जो मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप उस चीज को ध्यान रखें तो वो हर जगह वर्क करेगा। कि भाई अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, आप भी लिपाशी, जो बच्चे हिंदगुरु में नहीं है उनको भी कह सकते हैं, वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्लास ज्वाइन कर लें, जो स्कूल वाले उनके लिए तो फ्री है, पहले ज्वाइन कर लें, अच्छा लगे कोई सा भी सब्जेक्ट तो फिर हम उनसे नॉमिनल फीस चार्ज कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आपको मैंने जो आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया कि लार्जर एंगल को पहले लिख लीजिए तो कहानी आसान हो जाए। तो अगर ऊपर आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा साइन थ्री एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, अगर आप साइन को माइनस करेंगे पहला कॉस आना है दूसरा साइन आना है, सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू, ये तो आना ही आना है। कोई मुझे बताएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? जी कॉस स्क्वायर, वेरी गुड, ये सीधा फॉर्मूला है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी मत लगा दो, ये सीधा कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2 cos 2x sin x upon cos 2x, तो आप देखेंगे cos 2x से cos 2x cancel, तो finally answer जो बचेगा वो 2 sin x बचेगा, जो कि हमें चाहिए था राइट हैंड साइड। तो अगर आप लार्जर एंगल को पहले लिखने की आदत बना लेंगे उससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हमारे पास थे फॉर्मूलास, हमारे पास ये सारे फॉर्मूले आप एक शीट पे लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, और उसके बाद इंशाल्लाह दो तीन फॉर्मूले और रह गए तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक स्पेशल आपकी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करें। किसी बच्चे के पास थर्ड एक्सरसाइज तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जी up to third exercise, any doubt? No, sir. ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्लास में तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, तो आप ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए। चलिए,